बहुत पतली हो गई हो, थोड़ा सा खाओ पियो, जान पैदा करो। जब मैं अपने बाल छोड़ता हूँ तो मुआशरती एतबार से लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि व्हाई यू आर लेटिंग योर हेयर्स, दे नीड टू बी ट्रिम्ड। जैसे कि यार तुम्हारे चेहरे में ये क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे चेहरे में दाने निकले हैं। कोई कहता है कि आपके बाल सिल्की नहीं, या बाल सिल्की होते अगर नाक थोड़ा लंबा होता, अगर आंख थोड़े बड़े होते, तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट हम अमूमन हासिल करते हैं। आप अपने बाल स्ट्रेट क्यों नहीं करती, आपके बाल कर्ल लग रहे हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं। अगर मैं माशरे की नज़र से ख़ुद को देखूं तो शायद कई मानों में मैं खूबसूरत ना हूं, लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए से ख़ुद को देखूं तो शायद मैं ख़ुद को खूबसूरत मानूं। मेरा ये ख्याल है कि खूबसूरती हर एक के लिए मुख्तलिफ होती है, हर किसी की आंख में होती है, देखने वाले की आंख में खूबसूरती तो होती है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल हाँ खूबसूरत तसव्वुर करता हूँ। यस, क्योंकि मेरे नज़र में जो है ना ब्यूटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, आपकी इनर ब्यूटी हो सकती है। अल्लाह ने जो है ना हर मखलूक को किसी ना किसी तरीके से खूबसूरत बनाया है, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी कुछ भी हो सकती है, तो वो मुझे भी खूबसूरत बनाती हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने आप को खूबसूरत समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की तरह से दी गए जो भी अपीयरेंस है, जो भी लुक है, आई कंसिडर इट वर्थ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में वैल्यू रखता है। आई कंसिडर माई सेल्फ ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। यस, क्योंकि मेरे नज़दीक ब्यूटी या ब्यूटीफुल कोई बंदा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो आसानी से हर बंदे की अट्रैक्शन को गेन कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। अभी हम लोग, मैं जो है, मुझे लगता है कि मैं लाइफ के ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे जो है ना आउटर लुक्स या ओनली जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब वो इतने उस लेवल तक मुझे इम्पेक्ट नहीं करती है, कि हम अभी इस स्टेज में आ गए हैं कि हम अपनी रियल जो रियलिटी है उसको हम एक्सेप्ट करने लगे हैं। बट मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, ये तो ह्यूमन की नेचर है कि लोग जो है ना कमेंट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, तो कभी कभी ख्याल आता है काश ये चीज़ नहीं होती, ये होती, तो ये इंसान की फितरत है और ये ख्याल आते रहते हैं। ऑल्दो फिर हम उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये सही है, वी आई हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड दैट। तो मुझे मौका मिला अभी तो मैं अपने बारे में कोई चीज़ चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ में जो चेंज करने जा रहा हूँ, क्या पता उस चेंज के बाद में वो वैसे ही रहूँ या उससे भी बुरा दिखूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को चेंज करना नहीं चाहूँगा। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी जो है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ, तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा वेट गेन करूँ, तो इससे मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंज हो। शायद अगर मुझे ये मौका दिया जाए कि अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहूँ, तो शायद मैं उस मौके को गंवा दूँ, मैं कोई तब्दीली अपने अंदर ना लाना चाहूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं उस हाल में खुश हूँ। मुझे चांस दिया जाए तो मैं अपने अपीयरेंस को चेंज नहीं करना चाहता, बिकॉज जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यू रखता है, दैट्स व्हाट आई हैव। तो हमारे बारे में कंप्लीमेंट हमें मिलते हैं, कोई कहता है कि आपके बाल सिल्की नहीं, या बाल सिल्की होते अगर नाक थोड़ा लंबा होता, अगर आंख थोड़े बड़े होते, तो इस तरह के कंप्लीमेंट हम अमूमन हासिल करते हैं। मैनी टाइम्स, बहुत बार जो होता है फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारी तारीफ़ें भी मिलती हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जो है ना बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं। समटाइम क्रिटिसाइज नहीं होता है उनका, मे भी इंटेंशन नहीं हो, लेकिन वो अनइंटेंशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि यार तुम्हारे चेहरे में ये क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे में दाने निकले हैं। बट वो तो बोल देते हैं, लगता फील नहीं होता कि सामने वाले बंदे पे क्या गुजर रहा है, या मतलब वो चीज़ जो है ना एम्फिसाइज हो रही होती है ऑलरेडी, जो बंदा जो है सफ़र कर रहा होता है इन चीज़ों की वजह से, जब कोई और ये कमेंट कर रहा होता है तो इस पे जो है ना थोड़ा सा और नमक छिड़कना जख्म पे, ये वाला सीन हो जाता है। अमूमन मैं अपने लुक के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स रिसीव करता हूँ, कोई मेरी तारीफ़ करता है, कोई कहता है कि योर अपीयरेंस इज़ लाइक दैट, जो कि प्रेफरेबल नहीं है सोसाइटल कॉन्टेक्स में, और अगर मुआशरती तौर पे देखा जाए तो दे वोंट एक्सेप्ट माय लुक, क्योंकि बाज़ी औकात मेरे साथ ये भी होता है कि जब मैं अपने बाल छोड़ता हूँ तो मुआशरती एतबार से लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि व्हाई यू आर लेटिंग योर हेयर्स, दे नीड टू बी ट्रिम्ड।
अमूमन जब मैं लोगों से मिलती हूँ और मेरा लोगों से वास्ता पड़ता है तो मुझे मेरे लुक्स के हवाले से बहुत कमेंट्स मिलते हैं। अगर मैं दो का जिक्र करूँ तो मेरे बालों पर मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि आप अपने बाल स्ट्रेट क्यों नहीं करती, आपके बाल कर्ल लग रहे हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं। तो मुझे आदत हो चुकी है इस चीज़ की। और जो दूसरी चीज़ है वो मुझे एक्ने पे बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि आपके चेहरे के दाने बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपका चेहरा अभी तक साफ़ नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों पे अमूमन मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं जो कि मुझे बहुत डिस्करेज करती हैं और मेरा सेल्फ इस्टीम बहुत लो करती है। कई दफ़ा कमेंट्स आए हैं, अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, बुरे कमेंट्स भी आए हैं। वही कि अच्छे कमेंट्स इस हवाले से कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, वो सालों से मैंने ये सुना है। और बेड कमेंट या मैं कहूँगी कि कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो वो इस तरह करता है कि बहुत पतली हो गई हो, थोड़ा सा खाओ पियो, जान पैदा करो, तो इस टाइप के कमेंट्स सुनने को अक्सर मिल जाते हैं। मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो दूसरे लोगों के लुक के हवाले से, अपीरेंस के हवाले से कॉम्प्लीमेंट देते हैं या कमेंट देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं अच्छी बात है, तारीफ़ करते हैं, बट द वन हु कमेंट नेगेटिव एंड क्रिटिसाइज करते हैं, काइंडली खुदारा ऐसा ना करें। जो अपीरेंस बंदे का अपना है, ही इज दैट अपीरेंस इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर दैट वेरी पर्सन। मैं ये कहना चाहूँगी फॉर गॉड से किसी भी बंदे पे कोई मतलब इस तरह की क्रिटिसाइज ना करे और ऐसे कमेंट्स ना करे, क्योंकि कोई अगर बंदा ही इन चीज़ों से सफ़र हो रहा होता है ऑलरेडी जो है ना इन चीज़ों से सफ़र हो रहा होता है तो ये बातें जो है वो उनको और भी मेंटल इलनेस की तरफ और उनके मतलब मेंटली उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। मैसेज उन लोगों के लिए ये है कि किसी के लुक पर कंप्लीमेंट ना किया करें, ये एक इनेट चीज़ है जो बाय बर्थ उसके साथ आ गया है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंप्लीमेंट करें पॉजिटिव वे में करें। अगर आपके पॉजिटिव वे में कंप्लीमेंट करने से किसी का दिन बेहतर हो जाएगा, किसी का मूड बन जाता है, तो पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करें और नेगेटिव वे में बिल्कुल किसी को कंप्लीमेंट ना करें। उनको मैं सिर्फ ये रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी कि किसी भी बंदे को किसी भी बंदे के ऊपर किसी भी उसके किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बात के तौर पे वो बोल के चला जाता है कि आपकी तो ये चीज़ ख़राब है, आपको तो ये करना चाहिए, लेकिन उसी बात का सामने वाले बंदे पे बहुत बुरा असर होता है और वह मेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उनके लिए ये मैसेज है कि नाज न कर, सब खाक है। So people, please don't impose your definition of beauty on everyone, because I am beautiful, you are beautiful, and we are beautiful.